उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया गया। आरजेडी सुप्रीमो ने चुनावी शंखनाद का ऐलान कर दिया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लालू ने उसी पर बयान दिया है। अब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों का चयन होने जा रहा है। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो ने कहा है कि इसकी प्रक्रिया 12 और 13 सितंबर से शुरू की जाएगी। एक बार फिर से सुनिए लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया गया। लालू यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन जल्द मैदान में कूदने वाला है। अब उम्मीदवारों का चयन करने का काम शुरू किया जाएगा। जो कमेटी बनी है उसकी बैठक होगी और फिर इसका ऐलान किया जाएगा और उम्मीदवारों का नाम आते ही जनता के बीच जाना शुरू करेंगे। मैदान में हम लोग खुद जाएंगे। इंडिया जो संगठन बनाया है हम लोगों ने, 28 पार्टी के लोगों ने, उसके काम को अब शुरू करें। उम्मीदवार बनाने का काम, चयन करने का काम शुरू किया। कमेटी बनी है, उसकी बैठक दिल्ली में है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और लोग जो दूसरे पार्टी के हैं तो जा रहे हैं वहाँ। उसके बाद बिहार के इलाकों में भ्रमण करेंगे। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि जब चुनाव नजदीक आया है तो पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर का दाम कम किया है। ये उनका पैसा नहीं है, वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। इस बार बीजेपी का जाना तय है। चुनाव नजदीक आया तो नरेंद्र मोदी लोगों को फिर छलने का काम शुरू किया है। गैस पर से 200 रुपये कम दिया, फिर घर तक कम कर दिया। देश का संपत्ति है, देश की संपत्ति है, चाहे राशन हो या किराशन हो, ये सब है देश की जनता का जो धन है, पैसा है। आप कमा कर रहे हैं, देश की जनता वोट हो रहा है, वोट और उनका जाना तय। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी उनके साथ मौजूद रहीं। बहरहाल लालू प्रसाद के सहलान से सियासी तापमान और बढ़ गया है। देखना होगा किस उम्मीदवार की किस्मत इस बार खुलती है, क्योंकि लालू नीतीश के साथ आने से माना जा रहा है कि बिहार का सियासी समीकरण बिल्कुल अलग हो गया है और इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद बिहार से ही है। रांची से सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।